नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी। राजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र में हुए सुशील चाहर हत्याकांड में शव पुलिस द्वारा बरामद न होने पर आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों ने मिलकर शनिवार की सुबह मलपरा थाने पहुंचकर थाने के बाहर जगनेर मार्ग पर जाम लगा दिया, हंगामा किया। युवक की मौसी ने थाने में खुद को फांसी लगाने की भी कोशिश की। पुलिस ने जैसे जैसे भीड़ को समझाया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल जोशी, उसकी पत्नी सहित चार लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपियों ने मुरैना में शव को फूंक दिया, इसलिए बरामद नहीं कर सकी है शव को पुलिस। परारा निवासी, आपको बता दें, हट्टी नगरा के रहने वाले सुशील चाहर की हत्या 2 जून को ही हो गई थी। उसे फोन कर बुलाया गया था, घरवाले उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच सुशील की मां भूरी देवी ने मलपरा थाने में राहुल जोशी और 2 अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। बताया गया है कि सुशील चाहर की हत्या मुखबिरी के शक में हुई है। पुलिस के अनुसार राहुल जोशी गांजा तस्करी करता है। पिछले दिनों उसका माल और भाई कानपुर में पकड़े गए थे। उसने सुशील को राहुल ने घर बुलाया, उसे डंडों से पीट पीट कर मार डाला। रात के अंधेरे में कार से लाश को मुरैना ले गए थे और वहीं जला दिया। हत्या के समय राहुल जोशी की पत्नी निशा जोशी घर में मौजूद थी, इसलिए उसे भी आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने घर वालों को बताया है कि आरोपित को हिरासत में लिया है, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस आरोपियों को रिमांड पर भी लेगी। पुलिस किसी भी को बचा नहीं रही है, पुलिस पर भरोसा रखे। करीब 2.5 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा और करीब 9:30 बजे जाम खुल चुका। एसओ मलपरा ईश्वर सिंह तोमर ने मुख्य आरोपित राहुल जोशी की कार को भी जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक टीम की घर और कार से खून के निशान भी लिए हैं और डीएनए कराया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट मानी जाती है जिसमें साक्ष्य होंगे। तो जानिए क्या कुछ बोलना है एसीपी पूनम सरोही ने, देखिए इस मामले पर किस प्रकार पूरी जानकारी दी है। वहीं आरोपियों को पकड़ने और प्रमुख रूप से सफल अनावरण करने में मौजूद रहे थाना अध्यक्ष ईश्वर सिंह तोमर के साथ साथ, आपको बता दें, एसओजी प्रभारी पश्चिमी जोन मदन सिंह के साथ साथ सचिन कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल, ये सभी मौजूद रहे। और देखिए किस प्रकार इन सब ने बड़ी मुश्किल से इनको आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 4/6/24 को थाना मलपुरा पर श्रीमती भूरी देवी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र सुशील, उसको राहुल जोशी नामक एक व्यक्ति ने फोन करके बुलाया और उसका अपहरण कर लिया है। सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्रवाई करते हुए राहुल जोशी को पूछताछ की गई। दौराने पूछताछ उसके द्वारा बताया गया कि राहुल जोशी, रोहित जोशी, राजू जोशी, संजीव चाहर, राजू चाहर और देवेंद्र चाहर, इन व्यक्तियों द्वारा अवैध मादक पदार्थों का कारोबार किया जाता है, जिसकी जानकारी सुशील चाहर को हो गई थी और वो उसकी मुखबिरी कर उन्हें पकड़वाने की बात करते थे, जिसके कारण ये उससे रंजिश मानने लगे। इसी रंजिश के तहत उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने घर बुलाया, उसके साथ मारपीट की, बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक के साथ मारपीट की गई, जिससे कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसको मार दिया गया। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी गाड़ी में डालकर ये लोग चंबल नदी के पास ले गए, जहां इनके द्वारा बताया गया कि लाश को जला दिया गया। इस जानकारी पर इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, राहुल जोशी, रोहित जोशी, संजीव चाहर व निशा, जो कि राहुल जोशी की पत्नी है, जिसके द्वारा घर से खून के धब्बे व अन्य साक्ष्य मिटाने की कार्रवाई की गई थी। इन चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, आला कत्ल बरामद किया गया है। साथ ही वो गाड़ी जिससे इनके द्वारा अर्बन क्रूजर गाड़ी जिससे इनके द्वारा बॉडी को ठिकाने लगाने का कार्य किया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। राहुल जोशी का आपराधिक इतिहास है, इस पे पूर्व में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।